हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। गाइस, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फंडिंग जो है वो कट कर ली है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक वीडियो कोर्स जो है, एक्सप्रेस वीडियो कोर्स गाइडली ने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी बैंक की तैयारी, बैंक प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है कोर्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, जिससे आप बात करके इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस कोर्स के अंतर्गत आपको बेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स दी जाएंगी, और जो भी वीडियोज़ होंगी सभी का आपको PDF मिलेगा, और विद प्रैक्टिस क्विज आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। हाई लेवल जो मेंस है, प्री और मेंस दोनों को फोकस किया गया है यहाँ पर, और वीकली लाइव क्लासेस में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वहाँ पर आप कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है, जो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, करते हैं, या फिर जिन्होंने किया हुआ है वो इस ग्रुप में ऐड हैं, और आगे जो भी आपको क्वेरी होगी वो इस ग्रुप में आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। आगे बात आती है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए आपको दिया जा रहा है कोर्स, सिर्फ 1499 में, ठीक है। 1499 में ये पूरा आपको कोर्स, वीडियो कोर्स, देख रहे हैं आप लोग कितने ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, और पूरा जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी के कोर्स है ये, और ये आपको सिर्फ 1499 रुपये में आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है गाइस। तो इस ऑफर को जल्दी ही आप लोग ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि कोरोना का जो हमारा आजकल सिनेरियो चल रहा है, ये है आज डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 16 अप्रैल 2020, ठीक है। और इसमें जो वर्ल्ड वाइड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, 20,64,815 केसेस हैं, जिसमें से रिकवर्ड हो चुके हैं आपके 5,12,252 लोग, और डेथ हो चुकी है 1,37,078 लोगों की, ठीक है। और इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो कंफर्म्ड केसेस आपके 12,380 हैं। ये नंबर इंक्रीज ही होता जा रहा है गाइस, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। और रिकवर हो चुके हैं 1,489 लोग, और डेथ हो चुकी है 414 लोगों की, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं कितना पेंडेमिक कंडीशन चल रही है। और इसके बीच में क्या निर्णय आता है कि जो US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो अपनी फंडिंग जो है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वो कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने रीज़न दिया है फेल्ड इन इट्स बेसिक ड्यूटीज़। इनका मतलब है कि जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है WHO की, कि उन्होंने नहीं बताया, या जो भी वो रीज़न दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल जो है चाइना के साथ बंद कर दिया, तब भी WHO ने बहुत ज़्यादा इनकी निंदा की, और बाकी देशों के साथ जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था, ठीक है। तो ये अपना जो है रीज़न बता रहे हैं। आगे बात आती है कि चाइना का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है, ये अपने रीजंस बता रहे हैं। इस बीच में जो है बिल गेट्स, जिनके बारे में आप जानते ही हैं, तो बिल गेट्स ने ये कहा है, कहा था एक्चुअली, कि बहुत साल पहले ये बता दिया था कि ऐसा कुछ पेंडेमिक कंडीशन आएगी जो कि वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा हावी हो जाएगी, तो हमें तैयार रहना चाहिए उस कंडीशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में बिल गेट्स जो है वो कहते हैं कि ये टाइम जो है, ये जो डिसीज़न लिया गया है इस टाइम पे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये अच्छा डिसीज़न नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जी का, ओके। और UN के जो चीफ हैं, आप देखेंगे UN के चीफ जो हैं, उनका नाम भी आप याद रखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, वो भी यही बोलते हैं ये टाइम जो है ठीक नहीं है आपके इस डिसीज़न का, जो कट किया है आपने फंड WHO को, ओके। आगे बात आती है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड भी यही बोलते हैं कि हम लोग ये सब पूरा सिनेरियो जो चल रहा है, इतना ज़्यादा एपिडेमिक कंडीशन आ चुकी है, उसके ये जब एक बार ख़त्म हो जाए, ये कोरोना का सब
खत्म हो जाए, फिर हम पूरा ओवरव्यू करेंगे कि ये कैसे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा चल हो गया, इतना ज्यादा फैल गया, ठीक है, और आगे से ये लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे बात आती है हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, WHO हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या पढ़ना है कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1948 को हुआ था, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। आगे बात आती है कि यूएन की जो एजेंसी, यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, इसके कौन है, ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और आगे बात आती है कि इसके हेड कौन है, तो टेड्रोस जो है वो इसके हेड हैं। ये जो टेड्रोस हैं ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। आगे बात आती है कि ये लोग क्या करते हैं कि एमरजेंट वल्नरेबल कंडीशन जो होती है उसके अंतर्गत ये लोगों को हेल्प करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे साउथ अफ्रीका है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को हेल्प करते हैं उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो है फंड जो है नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में सभी लोग जो है निंदा भी कर रहे हैं, जैसे कि सभी देश मोस्टली बोल रहे हैं, इवन बिल गेट्स जो कि USA के ही हैं वो भी इसके निंदा करते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पर फंडिंग करता है, तो US जो है वो सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है WHO का, ठीक है, जो कि लगभग 15% जो है WHO को फंडिंग में हेल्प करता है, जो भी फंडिंग आती है उसका 15% जो है US देता है। और बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स भी ऑलमोस्ट इतनी फंडिंग करते हैं, और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो भी बिल गेट्स की वाइफ हैं, उनकी फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इसको फंडिंग करते हैं WHO को, तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है ये। आगे बात करेंगे, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो फंडिंग करता है वो 0.21% फंडिंग करता है ओनली, यानी कि इंडिया भी इससे ज़्यादा करता है, इंडिया ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा करता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे 0.48%, देखिए आपको कितना ज़्यादा है चाइना से, डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। इवन पाकिस्तान भी चाइना से ज़्यादा फंडिंग करता है, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे। तो गाइज इस पेंडेमिक कंडीशन में आप लोग अपना ध्यान रखिए और सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से करेंगे, सेफ रखेंगे, ठीक है, अपने आप। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू गाइज, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।